हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है कैश और ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपके लिए एक सरप्राइज होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम लोग एक सोलाल नाम के आदमी को देखते है जो की क्लीनर के कपड़े में था। सोलाल एक वैन से उतरता है और वो एक बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। सोलाल उस बिल्डिंग में एक ऑफिस में जाता है और उस बिल्डिंग में काम करने वाली लड़कियों से सोलाल कहता है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सफाई करने आया हूँ। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इस ऑफिस को जल्द से जल्द साफ करना पड़ेगा और इसके लिए मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूँ। तब वो लड़कियां कहती है, पर हमारे बॉस यहाँ पर नहीं है। तब सोलाल कहता है, आपको यहाँ से जल्द बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस ऑफिस की सफाई करनी है। ये सुनकर वो लड़कियां जल्दीबाजी में ऑफिस से निकल जाती है और उनके जाने के बाद सोलाल अपने कपड़े चेंज करने लगता है और सोलाल उस ऑफिस की टेबल पर एक फोटो रख देता है जिस फोटो में सोलाल और उसका भाई कैश थे। आगे सोलाल अपना हुलिया चेंज कर ऑफिस में एक इन्वेस्टर बैंकर बनकर बैठ जाता है और सोलाल ऑफिस के लैपटॉप से कुछ कॉपी करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस ऑफिस में एक लार्डियन नाम का आदमी आता है। तब लाडियर को देखकर सोलाल को लगता है यह आदमी ऑफिस का ही कोई क्लाइंट होगा और लाडियर उस आदमी से मिलकर उससे बातें करने लगता है। तभी लाडियर के सूटकेस में रखा फोन बज उठता है और लाडियर अपने सूटकेस से फोन निकालकर बात करने के लिए सोलाल को देता है। सोलाल फोन पर बात करने लगता है तो सामने वाला आदमी सोलाल पर चिल्ला रहा था। सोलाल को कुछ समझ नहीं आता और वो सामने वाला आदमी फोन कट कर देता है। तब सोलाल लाडियर को वापस फोन देकर खड़ा हो जाता है और सोलाल लाडियर से कहता है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है इसलिए मुझे थोड़ा बाहर खाने जाना होगा। तभी लाडियर अपने पास से गन निकालकर सोलाल पर फायर कर देता है और गोली लगने के कारण सोलाल की मौत हो जाती है। तब लाडियर अपना सूटकेस बंद करता है और वहां से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि सोलाल की बॉडी के पास वही फोटो रखी हुई थी जिसमें सोलाल और उसके भाई कैश की फोटो थी। मूवी के अगले सीन में हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जब हमें सोलाल के भाई कैश को दिखाया जाता है और कैश कुछ बच्चों के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी कैश की नजर वहीं से गुजर रही एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो लड़की किसी अमीर बिजनेसमैन की बेटी होती है। कैश उस लड़की को पसंद करता था और कैश उस लड़की को बताना चाह रहा था कि वो उसे कितना पसंद करता है। तभी वो लड़की एक सैलून में चली जाती है और कैश बाहर खड़ा होकर उस लड़की को देखने लगता है, पर वो लड़की कैश को इग्नोर कर रही थी। तब कैश वहां से चला जाता है। तब वो लड़की भी कैश को पलटकर देख रही थी। कैश वहां से एक फ्लावर शॉप में जाता है और वहां रखे सारे व्हाइट रोज खरीद लेता है और कैश उन फ्लावर्स को सैलून में बैठी उस लड़की के पास भेज देता है। उन फ्लावर्स में एक लेटर था जिसमें लिखा था आई लव यू। तब वो गैरेंस नाम की लड़की सैलून से बाहर आकर कैश को ढूंढने लगती है। तब उसे कैश बस में खड़ा हुआ दिखाई देता है जो वहां पर खड़ा होकर हंस रहा था। बस वहां से निकल जाती है और कैश एक टक गैरेंस को देखकर हंस रहा था। तब गैरेंस भी कैश को देखकर हंस रही थी और प्रपोज करने के कारण वो भी खुश थी। आगे कैश बस में था तभी कैश के पास एक बूढ़े आदमी फ्रांसवा का कॉल आता है जो कि कैश का साथी होता है। फ्रांसवा कैश पर गुस्सा हो रहा था और वो कहता है, क्लाइंट तुम्हारा कब से यहाँ पर वेट कर रहे। तब कैश कहता है, मैं अभी आने ही वाला हूँ। तब कैश की नजर बस में ट्रेवल कर रहे सूट पहने हुए एक आदमी पर पड़ती है और कैश उस आदमी को गौर से देखने लगता है। असल में कैश एक ठग था जो नए नए तरीकों से लोगों को लूटने का काम किया करता था। तब कैश उस आदमी के पास जाता है और उससे किसी बहाने टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद कैश अपनी पॉकेट चेक करता है और कैश चिल्लाने लगता है कि उसका पर्स चोरी हो गया। ऐसा कहते हुए कैश बस के बाहर जाता है उस चोर को ढूंढने, पर उसे कहीं भी वो चोर दिखाई नहीं देता। तब कैश फोन पर बात करते हुए वापस अंदर आता है और वो अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देता है। जिस आदमी से कैश टकराया था वो आदमी भी अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसका पर्स भी उसकी पॉकेट में नहीं था। ये देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है, पर बस बहुत आगे निकल चुकी थी और वो आदमी परेशान हो रहा था। तब कैश उस आदमी को ऑफर करता है कि आप चाहे तो मेरे फोन से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दे। वह आदमी कैश की बात मानकर कैश के दिए नंबर पर बात करने लगता है और दूसरी तरफ बात कर रही लेडी को वो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल दे देता है। कैश बस से उतर जाता है। असल में जिस नंबर पर कैश ने कॉल किया था वो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर नहीं था बल्कि कैश के ही ग्रुप में काम करने वाली लेडी का नंबर था। आगे वो लड़की कैश को कॉल करके उस आदमी की कार्ड डिटेल बता देती है
और कैश क्रेडिट कार्ड डिटेल जानकर पैसे निकाल लेता है। आगे केस फ्रांसवा के पास जाता है, जो कि एक खाली पड़ी फैक्ट्री में मशीन के जरिए नकली नोट बनाने की कोशिश कर रहा था। तब वहां पर कैश इंतजार कर रहे क्लाइंट्स के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। कैश के क्लाइंट कुछ गैंग मेंबर होते हैं, जो कि नकली यूरो छापने की प्लेट खरीदने उसके पास आए होते है, और कैश की उन लोगों के साथ उस प्लेट के लिए डील होने वाली थी। कैश जब उन लोगों से डील कर रहा था, तब सामने वाली बिल्डिंग से एक जूलिया मोलिना नाम की लेडी कैमरा वीडियो फुटेज के जरिए कैश की हरकतों पर नजर रख रही थी, और मोलिना का असिस्टेंट उसका वीडियो शूट कर रहा था। तब फ्रांसवा मशीन से नकली नोट बनाकर निकालता है और कैश फ्रांसवा के पास जाकर उस नोट को उससे ले लेता है। तब कैश उस नोट को एक एनवलप में रखता है और वो क्लाइंट के पास जाने लगता है। तभी नोट छापने वाली मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वो आवाज करने लगी थी। तब फ्रांसवा वहां खड़ी लेडी पर चिल्लाने लगता है। तब वहां बैठे सभी का ध्यान फ्रांसवा की ओर चला जाता है। कैश क्लाइंट को जाकर उस नोट का सैंपल देता है और क्लाइंट का आदमी उस नोट की डिटेल को बारीकी से मशीन में चेक करता है। तब वो कहता है इस नोट में और असली नोट में बारीक सा भी डिफरेंस नहीं है। तब लेटेल एक नाम का कैश का क्लाइंट कैश को उस नोट की प्लेट का पैसा दे देता है। तब मोलिना, जो कैश की हरकतों पर नजर रख रही थी, वो अपने असिस्टेंट से कहती है। कैश जब नोट के सैंपल का एनवलप लेकर अपने क्लाइंट के पास जा रहा था, तब फ्रांसवा द्वारा मशीन की खराबी को लेकर उसके क्लाइंट का ध्यान भटकाया गया। जब क्लाइंट की नजर फ्रांसवा पर गई, तब कैश ने उस मशीन वाले नोट का सैंपल अपने कोट में छुपा लिया था और उसने अपने कोट से दूसरा एनवलप निकाल लिया था, जिसे बाद में उसने क्लाइंट को दिया और क्लाइंट वो सैंपल देखकर सेटिस्फाई हो गया। ये एक तरह से कैश ने उनके साथ ठगी की। मोलिना एक इंटरपोल ऑफिसर होती है, जो कि कैश को टारगेट कर रही थी उसे पकड़ने के लिए। तभी वहां पर बांस आ जाता है, जो कि मोलिना का बॉस होता है, और बांस स्क्रीन पर कैश की फोटो देखकर कहता है ये आदमी कौन है। मोलिना कहती है कुछ नहीं, बस मैं इस आदमी पर नजर रख रही हूँ, शायद मेरे हाथ में एक बड़ा क्रिमिनल आने वाला है। तब बांस मोलिना को बताता है मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी जगह पर दो दावेदार होंगे, उसमें से एक तुम हो और दूसरा सीनियर ऑफिसर फिनले। फिनले तुमसे ज्यादा सीनियर है और तुमसे ज्यादा उसे एक्सपीरियंस भी है और उसके करियर के रिकॉर्ड भी काफी अच्छे हैं। तुम भले एक अच्छी ऑफिसर हो, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है और तुम मेरी जगह तभी ले सकती हो जब तक तुम किसी बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ती। तभी वहां पर फिनले आता है और वो बांस को बताता है मिलान में हम लोगों ने एक जाने माने क्रिमिनल लाडियर को पकड़ लिया है और उसके पास से हमें काफी सारे जाली नोट भी मिले हैं। लाडियर का नाम सुनकर मोलिना के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलकती है। फिनले आगे बताता है जब हम लोगों ने लाडियर के रूम की तलाशी ली तो हमें वहां पर चोरी के कई सारे प्लान्स मिले और उन प्लान्स पर मैक्सिम के साइन थे। मैक्सिम का नाम सुनते ही बांस अलर्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिम एक शातिर चोर था और बांस उसे पिछले 15 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे अभी तक भी नहीं पकड़ पाया था। बांस कहता है मैं जानता था कि मैक्सिम ज्यादा दिनों तक चोरी से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे चोरी करने से थ्रिल मिलता है। इस बार मैं किसी भी हालत में मैक्सिम को पकड़ कर रहूंगा। दूसरी तरफ कैश भी अपनी गैंग के साथ आगे का प्लान बना रहा होता है, किसी नेक्स्ट टारगेट को बेवकूफ बनाने के लिए। तभी कैश की साथी लिया कैश को बताती है लाडियर मिलान में पकड़ा गया और उसके पास से वो जाली नोट भी पकड़े गए। कैश ये जानकर खुश होता है क्योंकि लाडियर को पकड़ाने में उन्हीं का हाथ था, क्योंकि लाडियर ने उसके भाई सोलाल को मारा था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैश गेरेंस नाम की उस खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर था, जिसे पटाने की कैश कई दिनों से कोशिश कर रहा था। कैश गेरेंस के लिए एक बढ़िया कैंडल लाइट डिनर और म्यूजिक अरेंज करता है। मोलिना भी ये सब देख रही थी कि कैश कैसे अपने नए टारगेट पर काम कर रहा है। कैश और गेरेंस अपनी डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और कैश गेरेंस को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद वो दोनों रात साथ में गुजारते है। आगे मोलिना अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर काफी चहल पहल होती है। तब फिनले मोलिना को बताता है हमें खबर मिली है कि मैक्सिम पेरिस में ही है, इसलिए हम लोग उसे तलाश करने वाले हैं। तब मोलिना बांस के पास जाती है और वो कहती है मेरे पास मैक्सिम नहीं है, पर मेरे पास एक बड़ा क्रिमिनल है, अगर आप चाहे तो मैं उसे पकड़ सकती हूँ। तब बांस कहता है तुम मुझसे परमिशन लेने आई हो या कोई अलग तरीके हथकंडे अपनाने आई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे रिजल्ट ला कर दो। ये सुनने के बाद मोलिना और उसका असिस्टेंट कैश पर नजर बनाए रखते है। तब कैश रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर कुछ गाड़ी आकर रुकती है और इन गाड़ियों में वही लोग थे जिन्हें कैश ने नकली नोट्स की प्लेट बेची थी। वो लोग कैश को ढूंढने ही आए थे उसे सबक सिखाने के लिए।
तब कैश की नजर उन लोगों पर पड़ती है और कैश वहां से भागने लगता है। तब वो लोग भी कैश का पीछा करने लगे थे। मोलिना भी वैन में बैठकर कैश पर नजर रख रही थी। तभी कैश ट्रैफिक में बचते बचाते मोलिना की वैन के पास आता है। तब कैश देखता है कि दूसरी तरफ से भी आदमी उसे पकड़ने आ रहे थे। तब मोलिना वैन का दरवाजा ओपन करके कैश को वैन में बुला लेती है। लेटेलेक के आदमी जब वैन के पास पहुंचते तो उन्हें कैश कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब कैश मोलिना की वैन के अंदर अपने कई सारे फोटोग्राफ्स देखता है और कैश समझ जाता है कि मोलिना उसका पीछा कर रही है। तब कैश मोलिना से कहता है, क्या तुम मेरी कोई फैन हो? आगे कैश मोलिना को फ्रांसवा के अड्डे पर ले आता है, जहां पर वो सारी चोरी प्लान किया करते थे। तब मोलिना कैश से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। पर जब फ्रांसवा को पता चलता है कि मोलिना एक पुलिस ऑफिसर है, तब वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तब मोलिना फ्रांसवा को उसके फोटोग्राफ दिखाती है, जिसमें वो मशीन द्वारा नकली नोट बना रहा होता है। और मोलिना फ्रांसवा को धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जेल में जाओगे, कम से कम 10 साल के लिए। तब फ्रांसवा कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा जेल जाना पसंद करूंगा, पर मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर के साथ काम नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर फ्रांसवा वहां से चला जाता है। तब मोलिना कैश से कहती है, यानी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती? कैश कहता है, अगर तुम हमारे साथ काम करने में सचमुच इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे साथ जरूर काम कर सकती हो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैश मोलिना को उस अमीर लड़की ग्रेंस के घर पर ले जाता है। ग्रेंस के घर पर एक ऑक्शन चल रहा होता है, जिसमें वहां पर कई सारे मेहमान आए हुए थे, और ये ऑक्शन ग्रेंस के रईस बाप मिस्टर डुब्रॉय ने रखा था। कैश को ऑक्शन में देखकर ग्रेंस काफी खुश होती है और वो उसे गले लगा लेती है। उसके बाद कैश और मोलिना दोनों बातें करते हैं कि कैसे इस लड़की के अमीर बाप को फंसाना है। कैश मोलिना से कहता है, ग्रेंस के फादर को सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए तुम उन्हें जाकर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम सुनाओ। तभी ग्रेंस के पिता मिस्टर डुब्रॉय कैश और मोलिना से मिलने आते हैं। तब मिस्टर डुब्रॉय कैश से पूछते हैं, तुम इस ऑक्शन में भाग क्यों नहीं ले रहे हो? हिप्पोपोटामस ग्रेंस को काफी पसंद है, तो तुम वो खरीद कर ग्रेंस को गिफ्ट कर सकते हो। तब मिस्टर डुब्रॉय कैश और मोलिना को कहते हैं, तुम पार्टी के बाद मेरा वेट करना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मजबूरन कैश को ऑक्शन में भाग लेना पड़ता है और वो एक हिप्पोपोटामस टॉय को 18,000 यूरो में खरीद लेता है। आगे पार्टी खत्म हो चुकी थी और कैट और मोलिना मिस्टर डुब्रॉय का वेट कर रहे थे। सारे गेस्ट के जाने के बाद मिस्टर डुब्रॉय कैश और मोलिना से मिलते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ घर के बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। वो दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। ग्रेन सिगरेट पी रही थी और वो अपने दोस्तों के साथ पोकर खेल रही थी। कैश को देखकर ग्रेन्स काफी खुश होती है कि कैश ने उसके लिए एक खिलौने के 18,000 यूरो दे दिए। असल में ग्रेन्स कैश का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि यह ऑक्शन एक स्कैम था और यह ऑक्शन चैरिटी का नाम लेकर किया गया था, जहां सस्ते टॉयज को लाखों में बेचा जा रहा था और मिस्टर डुब्रॉय और उनकी टीम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूट रही थी और उन्होंने कैश को भी लूट लिया था। मोलिना को अब तक समझ नहीं आया होता है कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। तब कैश बताता है, इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। असल में ये लड़की कोई रईस लड़की नहीं है और ना ही उसका बाप कोई अमीर आदमी है। असल में ये लोग फ्रॉड करने वाले हैं और इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। तब मिस्टर डुब्रॉय मोलिना को अपने असली नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बताते हैं, मेरा असली नाम मैक्सिम है और मैं कैश को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने मोलिना जैसी लड़की को मुझसे मिलवाया। मैक्सिम कैश से कहता है, तुम शायद अब हमारे ग्रुप में काम करना चाहते होंगे, पर तुम तो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन गए। मैंने तुम्हारी जगह विंसेंट को हायर कर लिया है। यह सुनकर पोकर टेबल पर बैठा विंसेंट खुश होता है और मैक्सिम मोलिना को अपने साथ पोकर टेबल पर बुला लेता है। तब ग्रेंस कैश को कहती है, क्या तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहोगे? कैश कहता है, मैं जरूर खेलूंगा। और कैश पोकर टेबल पर आकर बैठ जाता है और वो बहुत बड़ी रकम दाव पर लगाता है, पर यहाँ भी कैश हार जाता है और विंसेंट जीत जाता है। आगे कैश और मोलिना वापस गाड़ी से जा रहे होते हैं। तब मोलिना कहती है, अगर ये आदमी सच में मैक्सिम है तो ये काफी फेमस चोर है और इससे मुलाकात करके काफी खुशी हुई, मैं इस आदमी से दोबारा मिलना चाहूंगी। कैश कहता है, मैक्सिम हमें जरूर वापस बुलाएगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सेटअप कर दिया है। मोलिना पूछती है, तुमने क्या किया? कैश कहता है, मैंने जो पैसा पोकर टेबल पर रखा था वो असल में नकली नोट थे। विंसेंट उन पैसों का इस्तेमाल करेगा और वो पकड़ा जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन विंसेंट जब उन पैसों का यूज करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है नकली नोट चलाने के क्राइम में। जाली नोट चलाने के जुर्म में पुलिस उसे स्टेशन ले जाती है और वहां विंसेंट को मोलिना दिखती है।
मोलिना विंसेंट को देखकर थोड़ा खुश होती है क्योंकि केश का प्लान काम कर गया था। तब मोलिना अपने बॉस बांस से मिलती है। तब बांस मोलिना को दो ऑफिसर से मिलाते हैं और बांस कहते हैं ये ऑफिसर लेब्लान और ऑफिसर लेब्रान है। ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से है और ये तुमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने आए हैं। ऐसा कहकर बांस वहां से चला जाता है और वो दोनों ऑफिसर मोलिना से क्वेश्चन करने लगते है। हमने आपके कुछ पुराने केस का बैकग्राउंड जांच किया है और हमने पाया है आपने इन केस के दौरान जो करेंसी पकड़ी थी वो सारी करेंसी आपने ऑफिस में जमा नहीं करवाई। कुछ करेंसी वहां से गायब है जो कि एक प्राइवेट आदमी के हाथ में चली गई। इस बात पर उन दोनों ऑफिसर को मोलिना पर शक था। तब मोलिना उन ऑफिसर के सवालों के कोई भी जवाब नहीं देती। उधर बांस और फिनले लार्डियन नाम के आदमी से पूछताछ कर रहे होते है जिसने मूवी की शुरुआत में सोलाल को मारा था। तब बांस लार्डियर से कहता है हमें मैक्सिम का पता बताओ। तब लाडियर कहता है मुझे मैक्सिम के बारे में कुछ नहीं पता। पर लाडियर पुलिस ऑफिसर को केश का नाम बता देता है। वो बताता है केश नाम का एक आदमी है जो जाली नोटों का काम करता है। दूसरी तरफ केश फ्रांसवा के अड्डे पर दुखी बैठा होता है। तब फ्रांसवा उसे समझा रहा होता है कि उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। तभी वहाँ मोलिना आती है और वो केश को बताती है विंसेंट पकड़ा गया। केश कहता है यानी मैक्सिम अब हमें बुलाएगा। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन कैश और मोलिना को मैक्सिम गोल्फ कोर्स में मिलने के लिए बुलाता है और वहां पर मैक्सिम कैश को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है। मैक्सिम कहता है मैं बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूं और वो चोरी 12 मिलियन डॉलर की कीमत वाले हीरे होंगे। ये चोरी हम बहुत ही आलिशान होटल से करेंगे। तब मैक्सिम मोलिना और कैश को चोरी का पूरा प्लान बताता है। मैक्सिम कहता है सबसे पहले मैं और मेरे आदमी होटल के एक रूम में आग लगा देंगे जिससे उस पूरी होटल में अफरा तफरी मच जाएगी। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया जाएगा और इसी अफरा तफरी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने साथियों के साथ होटल के एसी डक में घुस जाऊंगा। दूसरी तरफ कैश अपनी टीम के साथ काम पर होगा। कैश का इस प्लान में ये काम होगा कि वो कुछ ना करते हुए भी होटल के सिक्योरिटी और मैनेजमेंट वालों का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा ताकि होटल में क्या हो रहा है उनका ध्यान इस ओर ना जाए। तब मैं मेरी टीम के साथ सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर दूंगा और मैं उनके साथ होटल के स्पा में जाऊंगा क्योंकि वही होटल के लॉकर रूम के बगल वाला कमरा है। मैं स्पा से वॉल में होल करते हुए लॉकर रूम के अंदर इंटर होऊंगा। वहीं फ्रांसवा बाहर हार्ट अटैक का नाटक करेगा और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और कोई भी होटल में क्या हो रहा है इस ओर ध्यान नहीं देगा। उसके बाद हम वॉल्ट रूम में घुसकर वो हीरे चुरा लेंगे और हम सब वहां पर पहले से इंतजार कर रही बोट से वहां से निकल जाएंगे। जो हीरे हम चुराने वाले है वो साउथ अफ्रीका माइन के कुछ करप्ट लोगों द्वारा जमा किए हुए हैं, यानी वो हीरे कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और ये हीरे लीगली कहीं भी मौजूद भी नहीं है, इसलिए कोई हमारी कंप्लेन भी नहीं करने वाला। मैक्सिम के प्लान में शामिल होने के बाद कैश और मोलिना वापस जा रहे होते हैं। तब कैश कहता है मुझे लगता है मैक्सिम तुम्हें पसंद करता है और वो शायद तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता है। मोलिना कहती है मैक्सिम मुझे एक जेंटलमैन लगता है। तभी कैश के पास फोन आता है कि फ्रेड को किसी ने बुरी तरह से मारा है। तब कैश और मोलिना फ्रांसवा के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां पर फ्रेड बुरी तरह से घायल था जो कि कैश के ग्रुप में ही काम करता था। तब फ्रांसवा कैश को बताता है ये काम जरूर उन लोगों ने किया है जिन लोगों को हमने नकली नोट बनाने की प्लेट बेची थी। अब हम सबकी जान खतरे में है, हमें मैक्सिम के साथ काम करने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। कैश कहता है लेकिन हमें बहुत मुश्किल से मैक्सिम के साथ काम करने का मौका मिला है, हमें इस चोरी को जरूर अंजाम देना होगा। तब कैश और फ्रांसवा की बातों से मोलिना को पता चलता है कि कैश को पहले से पता था कि मिस्टर डुब्रॉय असल में मैक्सिम है, पर उसने मोलिना को ये बात नहीं बताई थी। यह सुनकर मोलिना कैश पर भड़क जाती है और वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। कैश कहता है हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम लोग मैक्सिम का भरोसा जीत सके और इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें धोखा देने का। दूसरी तरफ फिनले बांस को केस का स्केच दिखाता है जो कि उन्होंने लाडियर की हेल्प से बनाया था। तब उस स्केच को देखकर बांस कुछ याद करने लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद बांस को याद आता है कि उसने इस स्केच वाले आदमी को मोलिना के स्क्रीन पर देखा था जब वो मोलिना से मिलने गया था। ये याद करके बांस मोलिना के ऑफिस में जाता है और वो उसके ड्रॉवर का ताला तोड़ देता है। उस ड्रॉवर में उसे कैश की फोटो पड़ी हुई मिलती है जो स्केच से काफी मिलती जुलती थी। तब बांस उस फोटो को और उस स्केच को फिनले को दिखाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिम ने मोलिना को डिनर डेट पर बुलाया था। तब मैक्सिम मोलिना से मिलकर पूछता है आखिर पुलिस वाली होकर तुम ये चोरों का काम क्यों कर रही हो। मोलिना कहती है क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी से अब बोर हो चुकी हूँ,
इसलिए मैं अपना करियर चेंज करना चाहती हूँ। तब मैक्सिम मोलिना को ऑफर देता है कैश को डबल क्रॉस करने का। मैक्सिम कहता है क्यों ना हम कैश का इस्तेमाल करके उसे अपने रास्ते से हटा दे। कैश को अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने उन गैंग वालों को भी ढूंढ रखा है जिनको कैश ने नकली नोट की वो प्लेट बेची थी। हमारा काम हो जाने के बाद वो लोग कैश को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद तुम हमारे साथ रह सकती हो। मोलिना इस बारे में काफी देर तक सोचती है और मोलिना मैक्सिम के साथ उसके रूम में चली जाती है। एक तरह से मोलिना ने मैक्सिम का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ कैश अपने घर पर आता है, तभी वो देखता है कि उसके घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। कैश ऊपर जाता है तो उसे वहां पर ग्रेंस दिखाई देती है। तब कैश और ग्रेंस दोनों मिलते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ देर रात मैक्सिम मोलिना को उसके घर पर छोड़ता है। मोलिना अपने घर पर जाती है तब वो देखती है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तब मोलिना को वहां पर इंटरनल ऑडिट वाले वही दो इंस्पेक्टर मिलते हैं। तब मोलिना उन दो इंस्पेक्टर से पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो ऑफिसर कहते हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सर्च वारंट है, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते थे और हम वही कर रहे। तब वो दोनों इंस्पेक्टर मोलिना को एक ऑफर देते हैं, हम तुम्हारी फाइल में तुम्हें अच्छे पॉइंट दे देंगे ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो सके, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम उससे पहले किसी एक बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट करवाओ और वो बड़ा क्रिमिनल मैक्सिम इस वक्त तुम्हारे साथ है। तभी वहां पर मोलिना के फोन पर बांस का कॉल आता है और गुस्से में मोलिना फोन तोड़ देती है। आगे बांस मोलिना के असिस्टेंट से मोलिना के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी वहां पर फिनले आता है और फिनले बांस को बताता है एक फ्रांसवा नाम का आदमी है जो कई बार फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया है। पिछले साल जिस सोलाल का मर्डर हुआ था ये फ्रांसवा उसका मेंटर था, और जिस लाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा है उसका ही नाम आया था सोलाल के मर्डर में। तब बांस लाड़ी को तुरंत उसके सामने पेश करने के लिए कहता है। अगले दिन मैक्सिम और उसका गैंग और कैश और उसका गैंग ये सभी लोग उस आलिशान होटल में मेहमान बनकर पहुंचते हैं और फ्रांसवा को उन लोगों ने बिलेनियर बनाया होता है जिसके आसपास कैश और वो लड़की लिया काम करती है। उस होटल के स्विमिंग पूल में लिया डूबने का नाटक करती है। तब कैश उसे पानी में बचाने जाता है और वो लिया को पानी से निकालता है, पर लिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तब वहां पर होटल का स्टाफ और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रास्ते को खाली देखकर मैक्सिम और उसके गैंग के लोग इस बार रूम की तरफ चले जाते हैं जिसके पास ही उस होटल में लॉकर रूम था। मोलिना और ग्रेंस ने सिक्योरिटी सिस्टम को हाईजेक कर लिया था तो वो लोग होटल में लगे सारे कैमरास के वीडियो अपने रूम में बैठकर देख रहे थे। तब मोलिना ग्रेंस को एक आदमी के रूम का वीडियो फुटेज दिखाती है और मोलिना ग्रेंस से कहती है यही वो आदमी है क्रूगर, इसी आदमी के पास वो डायमंड्स हो सकते हैं जिस डायमंड को इसने लॉकर रूम में रखे होंगे। तभी उस रूम में कैश आ जाता है और लिया को बचाने के कारण कैश पूरी तरह से भीग चुका था। कैश आकर रूम में कपड़े बदलने लगता है और वो ग्रेंस के साथ लॉबी में जाने लगता है ताकि लॉबी में वो एक दूसरे से लड़ने लगे और होटल स्टाफ का ध्यान वापस उनकी तरफ जाए। कैश और ग्रेंस दोनों लॉबी की तरफ जा रहे थे और मोलिना सिक्योरिटी कैमरा में उन दोनों को देख रही थी। तभी मोलिना देखती है कि लॉबी में उस आदमी की गैंग भी आ गई थी जिसे कैश ने नकली नोटों की प्लेट्स बेची थी। वो यहाँ पर कैश को पकड़ने आए थे और यही मैक्सिम का प्लान था कैश को अपने रास्ते से हटाने का। तब मोलिना माइक्रोफोन पर ग्रेंस को बता देती है वो गैंग वाले लोग लॉबी में आ चुके हैं कैश को पकड़ने, तुम लेफ्ट टर्न ले लो। तब ग्रेंस कैश से कहती है हम इधर से चलते हैं और कैश ग्रेंस की बात को मानकर उस तरफ जाने लगता है। तभी वो गैंग के लोग रास्ते में कैश को देख लेते हैं। तब कैश अपने आप को बचाने के लिए उन पर हमला करता है। उन गैंग के लोगों में और कैश के बीच हाथापाई होती है। तब वो गैंग के लोग कैश को पकड़ लेते हैं और उसे एक रूम में ले जाने लगते हैं। ग्रेंस भी वहां पर छिप गई थी तो वो गैंग के लोग ग्रेंस को नहीं दे पाते। मोलिना सिक्योरिटी कैमरास पर नजर रख रही थी तभी वहां पर फ्रांसवा आता है और फ्रांसवा मोलिना से कहता है मुझे नहीं लगता है डायमंड किसी लॉकर रूम में रखे होंगे। और फ्रांसवा मोलिना को क्रूगर नाम के आदमी की रूम की वीडियो फुटेज दिखाता है और फ्रांसवा कहता है देखो इसके रूम में एक सूटकेस है, मुझे लगता है वो डायमंड इसी सूटकेस में होंगे क्योंकि लॉकर रूम तक होटल के स्टाफ की पहुंच होती है और वो सेफ नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है वो डायमंड्स इन्हीं के पास होंगे। उन लोगों ने कैश को भी पकड़ लिया है तो अब वो प्लान पे काम नहीं कर पाएगा। लिया यहाँ पर आए तो तुम उसे सब कुछ बता देना, मैं वो सूटकेस लेने जा रहा हूँ क्रूगर के रूम में। फ्रांसवा मोलिना को अपनी गन दिखाता है और वो वहां से निकल जाता है। तब मोलिना को भी शक होता है कि हो सकता है डायमंड क्रूगर के रूम में ही हो और मोलिना भी फ्रांसवा के पीछे पीछे जाने लगती है। रास्ते में गैंग के लोग कैश को लेकर आ रहे थे। तब फ्रांसवा मोलिना को किस करने लगता है ताकि गैंग के लोगों की नजर उस पर ना पड़े।
मोलिना सब कुछ समझ जाती है और वो फ्रांसवा की पॉकेट में हाथ डालकर उसकी गन निकाल लेती है और मोलिना फ्रांसवा को वहीं बने कबाड़ में बंद कर देती है। आगे मोलिना चुपके से क्रूगर के रूम में जाती है। रूम में क्रूगर और एक और आदमी होता है तो मोलिना उन्हें हिलने से मना करती है और मोलिना क्रूगर पर हमला करती है। तब वहां पर क्रूगर का बॉडीगार्ड खड़ा हो जाता है। तब मोलिना उस पर भी हमला करके उसे घायल कर देती है। मोलिना सूटकेस ओपन करके देखती है तो सचमुच उस सूटकेस में डायमंड्स थे। ये देखकर मोलिना खुश होती है। दूसरी तरफ लाडियर ऑफिसर बांस को फ्रांसवा के अड्डे पर ले जाता है और वो बार बार बांस से यही कहता है कि वो कैश के लिए काम करता था। तब बांस लाडियर से कहता है, तो मुझे बार बार ये जवाब देकर परेशान कर चुके हो, अब मैं ये जवाब और नहीं सुनना चाहता। तब बांस कहता है, मैं ऑफिसर जूलिया मोलिना के लिए काम करता हूँ। दूसरी तरफ मोलिना डायमंड्स लेकर होटल से भाग रही थी। तभी होटल के गार्डन में एक बच्चा मोलिना की तरफ दौड़कर आता है और वो मोलिना को मॉम कहकर उस पर कूद जाता है। मोलिना गिर जाती है और उसके हाथ से वो डायमंड का सूटकेस छूट जाता है। मोलिना का चेहरा देखकर वो बच्चा कहता है, आप मेरी मॉम नहीं हो, और वो बच्चा वहां से चला जाता है। तब मोलिना उस सूटकेस को उठाती है और वो जल्दी जल्दी में जाकर स्पीड बोट से होटल से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्सिम और उसके आदमी अभी भी स्पा में थे और वो स्पा में बैठकर पोकर गेम खेल रहे थे, ना कि वो वार्डरूम में चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। ये सारा उन्होंने मोलिना को दिखाने के लिए नाटक रचा था। क्रूगर और उसका बॉडीगार्ड बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तब क्रूगर का बॉडीगार्ड अपने आदमियों से कहता है, कोई लेडी हमारे डायमंड्स लूटकर ले गई है, मुझे वो लेडी जिंदा चाहिए। आगे मोलिना पानी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और वो अपनी बोट स्लो करके उस सूटकेस में देखती है। तो मोलिना देखती है कि उस सूटकेस में डायमंड नहीं थे। उस सूटकेस के अंदर एक पार्सल था जिसके अंदर कैश और सोलाल की फोटो थी। ये देखकर मोलिना शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ वो डायमंड वाला सूटकेस होटल में ही चेयर पर बैठी हुई लेडी उठा लेती है और ये वही जगह होती है जहां पर मोलिना उस बच्चे से टकराकर गिरी थी और उसके हाथ से उसका सूटकेस छूट गया था। तब जो बच्चा मोलिना से टकराया था वो बच्चा दौड़कर उस लेडी के पास आता है। तब हम देखते हैं कि वो लेडी ग्रेन्स थी। तब वो बच्चा ग्रेन्स को मॉम बुलाता है और उससे आइसक्रीम मांगता है। तब ग्रेन्स कहती है, तुम जाकर अपने पापा से मांगो। तभी वहां पर क्रूगर के आदमी भी मोलिना को होटल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। वो बच्चा दौड़कर वहीं बैठे एक आदमी के पास जाता है और वो बच्चा उस आदमी को डैड डैड बुलाकर उनसे आइसक्रीम मांगने लगता है। तब हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैश था। कैश और ग्रेन्स पहले से शादीशुदा थे और वो बच्चा उन्हीं का था। वो दोनों ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। वहां पर लेटेलेक और उसके आदमी भी मौजूद थे। ये वही लोग थे जिन्हें कैश ने नकली नोटों की प्लेट बेची थी और वो कैश के पीछे उसे मारने के लिए पड़े थे। वहां पर लेबरान और लेबनान नाम के वो दोनों ऑफिसर भी मौजूद थे जो कि मोलिना की इंक्वायरी कर रहे थे और वहां पर मैक्सिम और उसके सारे आदमी भी मौजूद थे। ये सभी लोग कैश के साथ मिले हुए थे और उसी के लिए काम कर रहे थे। ये लोग मोलिना को फंसाने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे और इनके नाटक का टारगेट मोलिना ही थी। इन लोगों ने मोलिना के सामने होटल में चोरी करने का प्लान रखा था जबकि होटल के लॉकर रूम में कोई हीरे थे ही नहीं। तब मोलिना ने क्रूगर से असली हीरे चुरा लिए थे और अब क्रूगर के गैंगस्टर मोलिना के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग मोलिना को पकड़कर उसे मारना चाहते थे पर असली हीरे कैश और उसके आदमियों के पास थे। मोलिना ने ही कैश के भाई सोलाल को लाडिया के द्वारा मरवाया था तो कैश ने मोलिना से बदला लेने के लिए ये सारा नाटक रचा था। दूसरी तरफ स्पीड बोट में मोलिना समझ जाती है कि कैसे उसे ट्रैप में फंसाया गया और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।